अक्सर कई बार हमें कुछ ऐसे सपने आते हैं जो हमारी चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा हमें परेशान कर देते हैं, उलझन में डाल देते हैं। ऐसे सपने कई बार आ जाते हैं। ऐसा ही एक सपना है कि सोते समय किसी की मृत्यु देखना। बहुत सारे भक्तों का हमारे पास कमेंट आता है कि शास्त्री जी, मुझे एक ऐसा सपना आया था जिसमें मैंने मृत्यु देखी है, चाहे वो कोई परिजन हो, कोई संबंधी हो या स्वयं की हो, उसका क्या मतलब होता है? मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, कृपया आप इसके बारे में बताएं। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वप्न में मृत्यु देखने का क्या मतलब होता है और कैसे इसके फल होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। साथियों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है एपिसोड पूरा देखें, ताकि हमारा भी और आपका भी, दोनों का जो उद्देश्य होता है वो सफल हो सके। तो चलिए अब देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बंधुजनों, हर मनुष्य को कोई ना कोई सपना जरूर आता है। सपनों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन सपनों पर गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि सपने ही होते हैं जो हमें संकेत देते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। सपने हमें तभी आते हैं हमारे जीवन में, ग्रहों का जो योग हमारी कुंडली में बन रहा है, या हमारे ऊपर क्या कष्टी आने वाली है, या क्या हमें अच्छे शुभ रिजल्ट मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं सपने बहुत पहले ही उस चीज की तरफ इशारा कर देते हैं। आज का विषय है कि सपने में मृत्यु देखने का क्या अर्थ होता है। प्यारे बंधुजनों, सपने में अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु देख रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप निश्चिंत हो जाइए, ये सपना जो है शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु आप सपने में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छी शुभ सूचना मिलने वाली है, या उस व्यक्ति की आयु दीर्घायु होने वाली है। जी हाँ, सपने में मृत्यु दिखना उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाने वाला सपना होता है, उम्र लंबी करने वाला सपना माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां भी ले ली, सारे काम कर लिए, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अगर आप सपने में देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की बीमारी ठीक होने का समय आ गया है। उसके शरीर पर जो भी रोग पीड़ा है वो बहुत ही जल्द अब दूर होने वाली है। अगर आप सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को बहुत ही जल्द शारीरिक सुख की प्राप्ति होने वाली है, शारीरिक पीड़ाओं से उसको मुक्ति मिलने वाली है और उसको बहुत अच्छी, बहुत लंबी उम्र की प्राप्ति हो रही है। अगर आप स्वप्न में स्वयं की मृत्यु देखते हैं, तो इसका मतलब भी ये होता है कि आपके शरीर पर भी लंबे समय तक ना कोई रोग ना कोई कष्ट होगा और परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको भी एक दीर्घायु की प्राप्ति होने वाली है। सपने में आप किसी की मृत्यु देखते हैं, तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि बहुत ही जल्द उस व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा शुभ बदलाव आने वाला है, या फिर उस व्यक्ति का भाग्य बहुत जल्द
सुधरने वाला है, उसको अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां एक साथ प्राप्त होने वाली है। सपने में किसी परिजन की मृत्यु देखने का मतलब ये भी होता है कि परिवार में बहुत ही जल्द कोई शुभ सूचना आने वाली है। वो पैसे से जुड़ी हुई भी हो सकती है, वो नौकरी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, घरेलू कोई भी शुभ सूचना हो सकती है। तो साथियों, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते थे कि शास्त्री जी हम घबराए हैं, चिंता करते हैं, तो इस सपने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह सपना आपको शुभता की ओर ले जाता है। तो आशा करता हूं जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माता की।